जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गुरु बीजाणु धान। गुरु बीजाणु धान क्या होता है? तो किसी पुष्प का वह छोटा समृद्ध भाग जो निषेचन के पश्चात बीज का निर्माण करने की क्षमता रखता है, तो उसे हम लोग गुरु बीजाणु धान कहते हैं। गाइज, इसके पहले हम लोग अंडक के बारे में जान लेते हैं, कार्पेल के बारे में जान लेते हैं। गाइज, पिछले लेक्चर में हम लोग लघु बीजाणु धान मेगा स्पोरन जीएम के बारे में पढ़े थे। मेगा स्पोरस जेनेसिस का अंतिम उत्पाद जो था वह परागकण था। हम लोग परागकण के बारे में जाने, परागकण के बायचोल को एग्जाइन कहते हैं, अंतःचोल को इंटाइन कहते हैं। बायचोल स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, अंतःचोल पेक्टिन व सेलुलोज का बना होता है। इन सब टॉपिक के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में जान लिए थे। तो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं वह है द कार्पेल अंडर। तो गाइज, जो अंडप होता है इसके मुख्यतः तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। तो गाइज, स्टिग्मा क्या होता है? गाइज, ये पुष्प के भाग में मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम रिवाइज कर दे रहे हैं। तो गाइज, जो ये वर्तिकाग्र होता है इसी पर परागकण आते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह निषेचन का मुख्य स्थान है, यह निषेचन का मुख्य स्थान है। और गाइज, जब हमारा यह वर्तिकाग्र जो है यह पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, तो यहाँ से जल प्लस शर्करा, जल व शर्करा का स्राव होने लगता है। यहाँ से जल व शर्करा का स्राव होने लगता है, यहाँ से वर्तिकाग्र से यहीं पे जल व शर्करा का स्राव होने लगता है। जल व शर्करा का स्राव होने से वर्तिकाग्र चिपचिपा बन जाता है। जब किसी माध्यम के द्वारा या वायु के द्वारा या अन्य बाह्य कारणों के द्वारा परागकण इस पर आते हैं, तो ये परागकण इस पर ऐसे ऐसे चिपक जाते हैं। तो परागकण इस पर चिपक जाते हैं। फिर पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन होता है, मतलब यह देखा जाता है कि यहाँ पर जो परागकण आया है इसी पुष्प का है कि किसी दूसरे पुष्प का है। जैसे गाइज, मान लीजिए ये गुड़हल है और अगर वहाँ पर धान का परागकण आ गया, तो जो पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन होगा वह नहीं होगा, क्योंकि गाइज जो पुष्प का वर्तिकाग्र है उसी पुष्प के जाति के किसी दूसरी जाति के नहीं, अपितु उसी पुष्प के जात के परागकण यहाँ पर आने चाहिए। तो गाइज, यह हो गया वर्तिका। वर्तिका पहला यह निषेचन का मुख्य स्थान है, दूसरा इसी पर परागकण आते हैं, तीसरा जब यह परिपक्व होता है तो यहाँ से जल व शर्करा का स्राव होता है। अब गाइज, दूसरा इसमें आता है स्टाइल। वर्तिका क्या होता है? तो गाइज, वर्तिकाग्र व अंडाशय को जोड़ने वाली पतली धागे जैसी संरचना को स्टाइल कहते हैं। दूसरा यह जब पराग नलिका, जो परागकण का आंतरिक परत होता है इंटाइन, वह जब जल व शर्करा को, उसका बाहरी परत जो एग्जाइन होता है, जल व शर्करा को सोकर फूल जाता है, तो जो आंतरिक परत होता है इंटाइन वह पराग नलिका का निर्माण करता है। तो गाय, जो वर्तिका होता है यह पराग नलिका को पोषण प्रदान करता है। जो वर्तिका होता है यह पराग नलिका को पोषण प्रदान करता है। इसके साथ साथ यह पराग नलिका को बीजाणु तक ले जाने का रास्ता दिखाता है। ओनली टू वर्क, फर्स्ट न्यूट्रिशन, सेकंड वे, मतलब रास्ता दिखाता है कि इसको पालन ट्यूब को। तो गाइस, यह हो गया वर्तिका के बारे में। वर्तिका पराग, जो पराग नलिका होता है उसको पोषण प्रदान करता है। दूसरा, पराग नलिका को मार्ग दिखाता है, कहाँ तक का? ओव्यूल्स तक का, बीजाणु तक का। नेक्स्ट है गाइज अंडाशय। तो अंडब का फूला हुआ भाग, गाइज इसमें पहला हो सकता है, पहला हम लोग लिखते हैं कि इस यह फूला हुआ भाग होता है, और दूसरा यह पुष्पासन से जुड़ा रहता है। पहला तो यह फूला हुआ भाग रहता है, दूसरा यह पुष्पासन से जुड़ा रहता है, तीसरा इसमें छोटे छोटे अंडब जो होते हैं वह गर्भी गुहा में स्थित होते हैं। इसमें छोटे 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 ऐसे अंडप होते हैं, अंडाशय में छोटे छोटे अंडप होते हैं। और तीसरा हो गया, चौथा इसमें बीजाणु पाया जाता है, पांचवा यहीं पर पालन ट्यूब आकर निषेचन की क्रिया को पूर्ण करता है। गाइस, पर अंडाशय के बारे में पहला क्या है कि यह फूला हुआ भाग होता है, दूसरा यह पुष्पासन से जुड़ा रहता है, तीसरा इसमें छोटे छोटे अंडा पाए जाते हैं जो गर्भी गुहा में स्थित होते हैं, चौथा इसी में बीजाणु पाया जाता है, पांचवा पालन ट्यूब इसी में आकर निषेचन की क्रिया को पूर्ण करता है। तो गाइस, यह सब पूरा भाग जो है यह है पिस्टल का,
पिस्टल का, इसके बारे में हम लोग पहले भी जान गए थे और आज भी जान गए, यह पूरा भाग पिस्टल का है। अब गाइस जो यह अंडप है या एक पुष्प में एक या एक से अधिक हो सकता है, गाइस यह जो अंडप है या एक पुष्प में एक या एक से अधिक भी हो सकता है। एक रहेगा तो मोनोकार्पेलरी मोनोकार्पेलरी, और दो से तीन से रहेंगे तो डाई ट्राईकार्पेलरी या कई अंडा से हो जाएंगे। तो गाइस यह जैसे अगर एक रहेगा तो इसे केवल हम लोग एक अंडपी बोलेंगे, अगर दो तीन चार तो उसे बहुअंडपी बोलेंगे। अब ये गाइस बहुअंडपी हैं, जैसे मान लीजिए ये बहुअंडपी है ना, तो अब ये बहुअंडपी जो है या दो प्रकार से हो सकते हैं, एक बहुअंडपी युक्ता अंडपी हो सकता है, एक बहुअंडपी वियुक्ता अंडपी हो सकता है। युक्ता मतलब गाइस एड मतलब जुड़ा हुआ, और यह जो होता है यह अलग अलग, यह अलग अलग हो जाएगा। वियुक्ता का अलग, युक्ता का एक में न। तो गाइस यहाँ पर जो अंडाशय है जो इसमें युक्ता अंडपी में रहेगा, ये अंडाशय जो रहेंगे युक्ता अंडपी में, ये ऐसे एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, अंडाशय ऐसे एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। तो गाइस इस प्रकार के संरचना को हम लोग बोलेंगे बहुअंडपी युक्ता अंडपी। गाइस ढेर सारे अंडप होंगे तो उसे हम लोग बहुअंडपी बोलेंगे, एक अंडपी में युक्ता अंडपी व वियुक्ता अंडपी नहीं होता है। एक अंडपी में कभी भी युक्ता अंडपी व वियुक्ता अंडपी नहीं होता है, ओनली बहुअंडपी में। तो गाइस बहुअंडपी में दो प्रकार से इसका जो स्ट्रक्चर होता है, युक्ता अंडपी वियुक्ता अंडपी। तो गाइस अगर बहुअंडप रहेंगे एक दूसरे से सटे रहेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे बहुअंडपी युक्ता अंडपी, और अगर वही ढेर सारे अंडप रहेंगे, मान लीजिए जैसे ये ढेर सारे अंडप हैं और ये एक दूसरे से जुड़े नहीं है, गाइस यहाँ पर देख रहे हैं ये तीनों अलग अलग हैं, तो इसे हम लोग बहुअंडपी वियुक्ता अंडपी बोलेंगे। गाइस यहाँ पर देख ले एक ये फिर एक ये जुड़ा नहीं है, लेकिन यह जो संरचना है यहाँ पर देखिए ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर यह एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, सब अलग अलग हैं, तो इसे हम लोग बहुअंडपी वियुक्ता अंडपी बोलेंगे, इसे हम लोग बहुअंडपी वियुक्ता अंडपी। जब ढेर सारे अंडप एक दूसरे से मिलकर बने होते हैं, ढेर सारे अंडप एक दूसरे से मिलकर बने होते हैं तो उसे हम लोग बहुअंडपी युक्ता अंडपी कहते हैं, और जब ढेर सारे अंडप एक दूसरे से अलग अलग होकर बने होते हैं तो उसे हम लोग बहुअंडपी वियुक्ता अंडपी बोलते हैं, उसे हम लोग बहुअंडपी वियुक्ता अंडपी बोलते हैं। और जब केवल एक अंडप रहेगा तो उसे एक अंडपी बोलेंगे, ढेर सारे अंडप रहेंगे तो उसे बहुअंडपी बोलेंगे। अब जो यह बहुअंडपी है गाइस यह दो प्रकार के क्रम में स्थित होता है, यह जो बहुअंडपी है एक हो जाएगा युक्ता अंडपी, एक हो जाएगा युक्ता अंडपी, और एक हो जाएगा वियुक्ता अंडपी, और एक हो जाएगा वियुक्ता अंडपी। तो गाइस जो युक्ता अंड बहुअंडपी होता है दो प्रकार से इसका क्रम होता है, युक्ता अंडपी वियुक्ता अंडपी। अगर ढेर सारे अंडप एक दूसरे से ऐड रहेंगे मतलब जुड़े रहेंगे तो उसे हम लोग बहुअंडपी युक्ता अंडपी कहते हैं, इसका संरचना इस प्रकार से होता है। अगर ढेर सारे अंडप एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे तो उसे हम लोग बहुअंडपी वियुक्ता अंडपी बोलते हैं, गाइस इसकी संरचना इस प्रकार से है। तो गाइस हम लोग जान गए अंडप के बारे में, अब हम लोग लघु गुरु बीजाणु धानी के बारे में जानते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो है वह जानेंगे गुरु बीजाणु धानी के प्रकार। तो गाइस गुरु बीजाणु धानी क्या होता है, किसी पुष्प का वह छोटा समृद्ध भाग जो निषेचन के पश्चात बीज का निर्माण करने की क्षमता रखता हो तो उसे हम लोग लघु गुरु बीजाणु धानी कहते हैं। गाइस लघु बीजाणु धानी में निषेचन नहीं होता, उसमें निषेचन की प्रक्रिया करने के लिए पराग कणों का निर्माण होता है, इसके साथ साथ उसमें चार बीजाणु का निर्माण होता है, चारों बीजाणुओं में से चारों के चारों बीजाणु पोषण न्यूट्रिशन पाकर के वृद्धि व विकास करते हैं। और गाइस जो लघु बीजाणु धानी है इसमें निषेचन के पश्चात बीज का निर्माण हो रहा है, और इसमें जो भ्रूणकोश का निर्माण है अभी हम लोग इसके आगे वाले लेक्चर में, या फिर हो सकता है अगर टाइम ज़्यादा हो जाए तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो गाइस अभी हम लोग इसके बारे में जान रहे हैं लघु बीजाणु धानी क्या होता है, तो किसी भी पुष्प का वह छोटा समृद्ध भाग जो निषेचन के पश्चात बीज का निर्माण करता है तो उसे
माइक्रोस्पोरजेनेसिस कहते हैं। तो गाइस इसके मुख्यतः 8 पार्ट होते हैं, माइक्रोफाइल, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, चैलेजा, हाइलम, फनिकल, हाइलम, इसके पश्चात नुसेलस और एम्ब्रियोसाइट। गाइस इसके इतने प्रकार होते हैं। तो गाइस यहाँ पर पहला है जो प्रकार है वह बाह्य आवरण है, आउटर इंटेग्यूमेंट। तो गाइस जो बाह्य आवरण है या पहला नंबर तो सुरक्षा प्रदान करता है, तो बाह्य आवरण यहीं पर है तो यह इसे क्या करेगा, सेफ्टी प्रदान करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। दूसरा रंग परिवर्तन। गाइस इसका मतलब है कि जो यह पहला तो सुरक्षा प्रदान करेगा, इसके पश्चात अगर यह हरे रंग का है तो यहाँ भ्रूणकोष में जब बीज का निर्माण होगा, भ्रूण कोष इम्ब्रियो सैक में जब सीड का निर्माण होगा, भ्रूण कोष में जब बीज का निर्माण होगा, तो जो यह बाह्य त्वचा है यह अपने रंग को परिवर्तित कर लेता है, बाह्य त्वचा अपने रंग को परिवर्तित कर लेता है या फिर झड़कर नष्ट हो जाता है। तो गाय जी इतने चेंजिंग इसमें होते हैं, इसलिए इसमें रंग परिवर्तन लिखा गया है। पहला सेफ्टी सुरक्षा प्रदान करता है, दूसरा अपने रंग को परिवर्तन कर लेता है। इसके पश्चात गाय दूसरा है इनर इंटेग्यूमेंट, अंत आवरण। तो जो गाय जो अंत आवरण है या बीजांड का है, यह अंतावरण बीजांड का है, वह बाह्य आवरण के मध्य में है। यह है बीजांड का है और यह है बाह्य आवरण, तो इसी के मध्य में ही तो है अंतावरण। तो गैस बाह्य आवरण, अंतावरण जो होता है बाह्य आवरण व बीजांड काय के अंदर पाए जाने वाली परत को, बाह्य आवरण व बीजांड काय के अंदर पाए जाने वाली परत को अंतर आवरण कहते हैं। बाह्य आवरण व बीजांड काय के अंदर पाए जाने वाली परत को अंत आवरण, इनर इंटेग्यूमेंट कहते हैं। इसके पश्चात गाय दूसरा है, इसमें ये दो या दो से अधिक परत में होती है। गाय जो या अंत आवरण होती है या लीची में तो 3 परत में होती है, और कई प्रकार के पादपों में, एक पादपों के बीजांड में या दो से अधिक प्रकार की होती है, और या लीची में 3 प्रकार की होती है, लीची में 3 प्रकार की परत में होती है। तो गाइस हम लोग अंतावरण के बारे में जान गए। अब तीसरा है बीजांड काय, यह मृत दूती की कोशिकाओं से बना होता है। गाइस ये सब जो कोशिकाएं हैं ये छोटी 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 छोटी, इन्हें हम लोग बोलते हैं मृत दूती की कोशिका। तो गाइस यह जो बीजांड काय होता है यह मृत दूती की कोशिकाओं से बना होता है, मृत दूती की कोशिकाओं से बना होता है। और गाइस दूसरा है यह भ्रूण के चारों तरफ को घेरे रहता है, या गाय जो भ्रूण है एम्ब्रियो सैक है या इसके चारों तरफ को यहाँ पर घेरे हुआ है, भ्रूण को चारों तरफ से घेरे रहता है। कब घेरे रहता है, जब यहाँ पर भ्रूण का निर्माण हो जाता है। अब जब भ्रूण का निर्माण नहीं होता तो गाय या एम्ब्रियो सैक को चारों तरफ से घेरे रहता है। गाय जो हम लोगों का बीजांड का है, नुसेलस है, नुसेलस या मृत दूत की कोशिकाओं से बना होता है, और यह निषेचन के पहले एम्ब्रियो सैक भ्रूण कोष को चारों तरफ से घेरे रहता है। इसके पश्चात निषेचन के पश्चात या भ्रूण को चारों तरफ से घेरे रहता है बीजांड का है। इसके पश्चात जब बीज पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है तो हम लोग जिस भाग को खाते हैं फल का निर्माण करता है बीजांड का है और अंडाशय। इसके पश्चात गाय नेक्स्ट है बीजांड द्वार। तो बीजांड द्वार के ऊपरी भाग पर स्थित होता है। तो गाय जी आप बीजांड द्वार है यहाँ पर माइक्रोफाइल बीजांड द्वार यहाँ पर होता है, पराग नलिका एंट्री करता है। यह बीजांड के सबसे ऊपरी भाग पर स्थित द्वार को, बीजांड के सबसे ऊपरी भाग में स्थित द्वार को बीजांड द्वार कहते हैं। इसका मुख्य कार्य यह पराग नलिका को आने देता है, मतलब यहीं से पराग नलिका आएगा और फर्टिलाइजेशन की क्रिया करेगा। अब गाइस ऐसा नहीं है कि फर्टिलाइजेशन केवल यहाँ से ही हो आएगा तभी होगा, यह नुसेला से भी आ सकता है, चैलेजा से भी आ सकता है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो गाइस यह होता है बीजांड के सबसे बाहरी भाग में स्थित आवरण को, सबसे ऊपरी भाग में स्थित आवरण को बाह्य आवरण कहते हैं। इसके द्वारा पराग नलिका अंदर आकर निषेचन की क्रिया को पूर्ण करती है। अब गाइस इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट भाग के बारे में जानेंगे। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वह है भ्रूण कोष एम्ब्रियो सैक। तो गाइस भ्रूण कोष यहाँ पर है,
भ्रूणकोश, यहाँ पर एम्ब्रियो सैक। तो गाइज यहाँ पे पहला यह मादा युग्मकोश भेद कहलाता है। हाँ गाइज, इसमें मादा युग्मकोद भेद का ही तो निर्माण होता है, भ्रूणकोश का ही तो निर्माण होता है गुरु बीजाणुधान में, तो यह मादा युग्मकोद भेद होता है। इसके साथ साथ यह जायांग का भी भाग है, जो यह भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश है, जायांग का भाग है। इसके पश्चात दूसरा यह बीजांड काय के मध्य में स्थित है। तो गाइज आप लोग देख रहे हैं यह सब जो आवरण है यह बीजांड काय है, यहाँ पर यह बीजांड काय है, बीजांड काय यह है, और यह बीजांड काय के मध्य में ही भ्रूणकोश स्थित है। तो भ्रूणकोश जो है यह बीजांड काय के मध्य में स्थित है। तीसरा, इसमें अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात भ्रूण का निर्माण होता है। गाय जो यह भ्रूणकोश होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात भ्रूणकोश का, केवल भ्रूण का निर्माण होता है। अब अर्धसूत्री विभाजन क्या है? वह विभाजन जिसमें कोई भी गुणसूत्र अपनी प्रारंभिक अवस्था का आधा हो जाए, तो उसे हम लोग अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो गाइस यह हो गया एम्ब्रियो सैक भ्रूणकोश के बारे में। पहला जो हो जाएगा यह मादा युग्मकोद भेद है, दूसरा यह बीजांड काय के मध्य में स्थित है, और तीसरा इसमें अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात भ्रूण का निर्माण होता है। तो गाइस हम लोग जान गए बीजांड काय के बारे में, ओ भ्रूणकोश के बारे में। इसके पश्चात नेक्स्ट है गाइस निभागी सिरा चैलेजा। तो गाइस चैलेजा हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर यह बीजांड का सबसे निचली भाग है, यह बीजांड का सबसे निचला भाग है। दूसरा, यहीं से ही बीजांड काय का आधार शुरू होता है, यहीं से ही तो बीजांड काय स्थित होता है। आधार क्या होता है? उसका निचला भाग, उसका निचला भाग ही आधार होता है। तो यह बीजांड के सबसे नीचे पाया जाता है। दूसरा, यहीं से ही बीजांड काय का आधार शुरू होता है। तो गाइस यहाँ पर है यह बीजांड के सबसे नीचे स्थित होता है, जिस स्थान से बीजांड काय का निचला भाग होता है उसे निभाग कहते हैं। तो गाइस यही हो गया, यह बीजांड काय के नीचे स्थित होता है तथा पूरे बीजांड के सबसे निचले भाग में स्थित होता है। अब गाइस जो इसका आकार होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के पादपों में उसके बीजांड के आधार पर चैलेजा का आकार भिन्न भिन्न होता है। अभी गाइस हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बीजांड कई प्रकार के होते हैं, कुछ ऐसे क्षैतिज होते हैं, कुछ ऊर्ध्वाधर होते हैं, कुछ के बीच में 90 अंश का कोण बनता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पश्चात गाइस तो दूसरा है, तो हम लोग निभागे सिरा व भ्रूणकोश के बारे में जान गए, निभाग बीजांड का सबसे निचला भाग होता है, दूसरा यहीं से ही बीजांड काय का आधार शुरू होता है। अब गाइस इसके पश्चात हम लोग इसके जो और भाग है हाइलम और फनिकल, इसके बारे में जान लेते हैं। गाइस इसमें अब हम लोगों का नेक्स्ट है सातवां फनिकल। तो गाइस ये जो फ्यूनिकल होता है यह बीज को फली से जोड़े रहता है, मतलब जैसे यह जो बीज है, अब बीज के ऊपर जो फली पाया जाएगा, जैसे यह पूरा बीज है भरा रहेगा तो इसी के ऊपर यह फली होगा, तो यह बीज को फली से जोड़े रहता है, यह बीज को फली से जोड़े रहता है। दूसरा, यह बीज का बाहरी भाग है, मतलब फली ही है, यह बीज का बाहरी भाग है। नेक्स्ट, इससे बीज को पोषण प्रदान होता है। तो गाइस जब यह बीज से जुड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए यह बीज से जुड़ा हुआ है, तो इससे बीज को पोषण प्रदान होगा, और यह बीज का बाहरी भाग है, इससे बीज को पोषण प्रदान होता है, यह बीज को फली से जोड़े रहता है। तो गाइस आप लोग समझ गए कि यह जो फनिकल है या यहाँ पर पाए जाने वाले, यहाँ पर निषेचन की पश परिघटना में बीज का निर्माण होगा, तो यहाँ पर बीज को पोषण प्रदान करता है, वह बीज को फली से जोड़े रहता है, वह बीज का बाहरी आवरण होता है। इसके पश्चात गाय जो नेक्स्ट है वह है हाइलम। तो गाइस हाइलम जो होता है बीजांड को बीजांड वृंत से जोड़े रहता है, या जो पूरा बीजांड है इसको या बीजांड वृंत से जोड़े रहता है, बीजांड वृंत से जोड़े रहता है। गाइस बीजांड वृंत क्या होता है? बीजांड वृंत इसकी बाहरी संरचना होती है, जो जहाँ पर, जैसे गाइस यहाँ पर पुष्पासन होता है, जैसे मान लीजिए पुष्पासन, तो यह बीजांड में जो बीजांड वृंत होता है वो बीजांड आसन से, बीजांड आसन में पाया जाता है बीजांड वृत्त, तो बीजांड आसन में बीजांड को जोड़े रहता है, बीजांड आसन से बीजांड को जोड़े रहता है। तो गाइस यहाँ पर क्या है, बीजांड को बीजांड वृंत से जोड़े रहता है हाइलम, और फनिकल या बीज को फली से जोड़े रहता है, या बीज का बाहरी भाग है, इससे बीज को पोषण प्रदान होता है। तो गाइस आप लोग इसके बारे में जान गए, बीजांड द्वार
इसके पश्चात बाह्य आवरण, अंत आवरण, निभागे सिरा, भ्रूण कोष, हाइलम, फनिकल, इन सब के बारे में आप लोग जान गए। तो गाइज आज का वीडियो बस यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों का होगा टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स मतलब गाइज बीजांड कितने प्रकार के होते हैं हम लोग इसके बारे में जानते हैं जानेंगे। तो गाइज अगर आपको समझ में आएगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।